जिक्र छत्तीसगढ़ का करें तो यहां से भी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी की कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। कल बैठक में सभी नाम तय हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। कई दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा, 11 नामों पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी की कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, कल बैठक में सभी 11 नामों पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम भी हैं। रायपुर का जिक्र करें तो यहां से लक्ष्मी वर्मा, सुनील सोनी, दुर्ग से विजय बघेल, प्रकाश साहू। कांकेर का जिक्र करें तो भोजराज नाग हैं, राधेलाल नाग हैं, वहीं राजनांदगांव से मधुसूदन यादव और अभिषेक सिंह हैं। तो लिस्ट लगभग तैयार है, अब ऐलान का इंतजार है। देखना होगा कि और कितना इंतजार करना होगा। हालांकि कहा जा रहा है किसी भी वक्त ये लिस्ट जारी हो सकती है। 11 नामों पर मुहर लग चुकी है, प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, बस अब सूची जारी होना बाकी है। तो बीजेपी का महामंथन चला, कल देर रात तक बैठक चली और प्रत्याशी तय कर लिए गए। जल्द अब घोषणा होने की कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये संभावित नाम है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, फ्लैश भी कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये वो नाम है जिनके नाम लगभग तय हैं और कहां कहां से कौन कौन चुनाव लड़ सकता है ये भी आपको बता रखे हैं। लंबा मंथन चला, बैठकें चली, कल देर रात तक बैठक चली और नामों पर मुहर लग गई। हालांकि मुहर छत्तीसगढ़ में लगा दी गई थी, फाइनल कर दिया गया था, पर मुहर दिल्ली में लगी। सीईसी की बैठक कल देर तक चली। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जानकारी देंगे। आकाश, 11 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, आखिर क्या लगता है कब तक ये सूची जारी हो सकती है और क्या कहा जा रहा है? जो 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी है, क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें नए लोग दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद थे। यहाँ पर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री से चर्चा की है। इसके साथ ही अमित शाह ने भी बारी बारी से चर्चा की और 11 लोकसभा सीटों की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही जो नाम है, किनका नाम इसमें लाया जाए, उसको लेकर भी मंथन चला है। सभी जो कैंडिडेट है उस पर बारी बारी से चर्चा की गई और संभावित जो नाम है लगभग तय हो चुके हैं। जैसे कि नाम सामने आ रहे हैं, रायपुर से जो है अभी जो सांसद है सुनील सोनी, उनका भी नाम चल रहा है। इसके साथ ही लक्ष्मी वर्मा का नाम चल रहा है, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं, कई पदों पर रही हैं, तो इनका नाम भी लगभग आगे चल रहा है। अगर दुर्ग की बात करें तो यहां से सांसद विजय बघेल है जिनका नाम संभावित लिस्ट में आगे चल रहा है। इसके साथ ही प्रकाश साहू को भी दिया जा सकता है। अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो मधुसूदन यादव है, पूर्व सांसद रहे हैं, और अभिषेक सिंह का भी नाम चल रहा है जो डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र हैं। तो इस तरीके से तमाम जो है नाम अभी चर्चाओं में है। 11 सीटों में लगभग जो नए दावेदार हैं उन पर मुहर लग सकती है, क्योंकि कई जो सिटिंग एमएलए है, सिटिंग जो सांसद हैं, उनकी टिकटें कटने की बात सामने आ रही है। जैसे कि 3 जो सांसद थे वो विधानसभा जीत के बाद विधानसभा में पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में वहां भी नए कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं। बस्तर में कोई नया चेहरा देखने को हमको मिल सकता है, तो जल्द ही बीजेपी 11 सीटों पर जो है उम्मीदवार जल्द घोषित कर सकती है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के निवास पर ईडी का छापा पड़ा है, 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची। डीएमएफ फंड घोटाले में जांच की बात सामने आ रही है, घर के बाहर सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। तो 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल हो रही है। डीएमएफ फंड घोटाले में जांच की बात सामने आई है, अभी सारे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, साथ ही साथ पूछताछ भी इस मामले में ईडी के द्वारा हो रही है। जेपी अग्रवाल के घर पर ये ईडी की बड़ी रेड पड़ी है। डीएमएफ फंड घोटाले में जांच की बात सामने आई है, फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। ईडी का ये बड़ा छापा हम मान सकते हैं। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल हैं जिनके निवास पर रेड पड़ी है, 2 गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और अभी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है।
बालोद से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री के प्रतिनिधि के निवास पर ईडी की दबिश पड़ी है। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम मौजूद है। बालोद के डोंडी स्थित निवास में पूछताछ चल रही है। दो गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और अभी पूछताछ चल रही है। दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं और पूर्व मंत्री के जो प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है, दबिश दी गई है। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी के निवास पर ईडी की टीम मौजूद है। बालोद के डोंडी स्थित निवास में फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। दो गाड़ियां पहुंची हैं, दो गाड़ियों में ईडी की टीम पहुंची है और अभी पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ सभी तरह के दस्तावेज भी खंगाल रही है। तो वहीं कोरिया में जिला मुख्यालय बैंकुटपुर में ईडी का छापा पड़ा है। बैंकुटपुर सीईओ राधेश्याम से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। कांग्रेस सरकार में सोनहत के सीईओ रहे थे राधेश्याम, अभी सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में है तैनात। इनसे भी पूछताछ चल रही है। ईडी की रेड यहां पर भी पड़ी है। कोरिया के बैंकुटपुर में ईडी का यह बड़ा छापा पड़ा है। सीईओ से ईडी पूछताछ कर रही है। बता दें राधेश्याम से ईडी अभी पूछताछ कर रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुजीत शाह और अब्दुल असलम जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे वो। अब्दुल, बड़ी ईडी की रेड पड़ी है, आखिर अभी तक शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? क्योंकि ये जिनके यहां पे भी रेड पड़ी है सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस से इनका कनेक्शन रहा है। ईडी की छापेमारी जो कार्रवाई है वो जारी है डीडीएम रोड स्थित जेपी अग्रवाल के यहाँ, जो कांग्रेस नेता और कॉन्ट्रैक्टर भी है, जिनके द्वारा डीएमएफ में कई कार्य भी किए गए थे, इसको लेकर भी जांच कर रही है ईडी की टीम। और दो गाड़ियों में जो है अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि महादेव ऐप में भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है, इसकी भी जांच जो है ईडी की टीम कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि पूछताछ में और आगे की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ठीक, सुजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुजीत, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी है, आखिर अभी रेड पड़ी है, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए बिल्कुल बता दूं, पिछले जो कांग्रेस की सरकार में जो कोरबा में पदस्थ रहे हैं राधेश्याम, और वहां के डीएमएफ मध्य की जांच चल रही है, कयास ये लगाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इस वक्त आइए फिर से आपको लाइव तस्वीरें उज्जैन से दिखाते हैं, जहां पर सीएम यादव मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। शुभ परंपरा में देख रहे हैं सभी के साथ सभी के प्रयास के साथ इस मंगल दीप को प्रज्वलित करते हुए हमारे देश के प्रमुख, हमारे उद्योगपति और एक्सलेंसीज, कैप्टन्स, लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री और सभी के साथ हम मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए देवी सज्जनों, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास, नवाचार और व्यापार की प्रगति की तरफ एक अनुकूल वातावरण तैयार करना उनकी प्राथमिकता रही है। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव। नहीं है ये बड़ी बातें,
सीएम यादव द्वारा कही गई, शुभारंभ पहले उन्होंने किया, उसके बाद कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गौरवशाली अतीत पर मुझे गर्व है, महाकाल की नगरी की कोई तुलना नहीं हो सकती। ये बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। ये शुभारंभ उनके द्वारा कर लिया गया, रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें ये बड़ा कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शिरकत करने के लिए सभी पहुंचे हैं। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी इस दौरान हुआ है। 3000 से ज्यादा उद्योगपति उज्जैन पहुंचे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 17 उद्योगों का भूमि पूजन सीएम द्वारा किया जा रहा है, 8 उद्योगों का लोकार्पण होगा, हजारों युवाओं को इससे रोजगार भी मिल सकेगा। तो विजन लेकर के मुख्यमंत्री चल रहे हैं, आगे का सोच करके चल रहे हैं, और इसी को लेकर के ये बड़े बड़े आयोजन और बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े शुभारंभ उनके द्वारा किए गए हैं। उज्जैन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी उनके द्वारा किया गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रायपुर का जिक्र करेंगे। महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर गिरीश तलरेजा भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। भोपाल ईडी ने गिरफ्तार किया तलरेजा और रतनलाल जैन ने शुभम सोनी के साथ करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। भोपाल ईडी तलरेजा को आज रायपुर ईडी को सौंपेगी। रतनलाल जैन है फरार, अभी फिलहाल उसकी भी तलाश जारी है। तो गिरीश तलरेजा को भोपाल ईडी ने दबोच लिया है और अब रायपुर ईडी को सौंपा जाएगा। पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। इसका सहयोगी जो रतनलाल जैन है वो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी गर्मजोशी के साथ तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर जो था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उससे धर दबोचा है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है अभी? जी देखिए, ईडी को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गिरीश तलरेजा वही व्यक्ति है जो करोड़ों रुपए के जो शुभम सोनी है उसके साथ ट्रांजैक्शन किया था। उसके बाद जो सोनी है वो अभी फरार चल रहा है, फिर रतन लाल है वो फरार है। और ये पूरा ये जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर के इसकी जो तलाश थी, और फिलहाल अब जो भोपाल की ईडी है, भोपाल में ईडी ने गिरफ्तार किया है और रायपुर की ईडी को इसको सौंपा जाएगा। उसके बाद किस तरह के ट्रांजैक्शन हुआ है और महादेव सट्टा ऐप को लेकर के लगातार ईडी जो है छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करती रही है। कई आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हुई है जो मेन रूप से काम करता था और ये ट्रांजैक्शन का काम करता था, ट्रांजैक्शन में करोड़ों रुपए। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, कई सारी चीजें भी अभी पूछताछ में सामने आएंगी। युगल, आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के